हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को, सारे भाइयों को गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आया हूँ, ये जो पैरामेडिकल स्टाफ की जो सफाई कर्मचारी कुक जो ट्रेड की ड्यूटी क्या है, क्या कैसे मतलब इसको प्रमोशन है। तो दोस्तों, इसको मैं बता देता हूँ, इसका जो ड्यूटी है आप लोग को मेडिकल में ही ड्यूटी करना है, ना आप लोग का कहीं ग्रुप सेंटर ना कहीं बटालियन में जाना है। आप लोग को जो ग्रुप सेंटर में जो मेडिकल होता है, जो जवानों के लिए जो मेडिकल होता है, जो मेडिकल अपना जो ट्रीटमेंट के लिए जवान भाइयों के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, उसी मेडिकल में आप लोग का ड्यूटी है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा बात है आप लोग को प्रमोशन। दोस्तों, ट्रेडमैन की प्रमोशन नहीं होता है। यदि आप चाहे तो आप ट्रेड चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो ड्राइवर को जा सकता है या क्लर्क को जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ड्राइवर के लिए आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस हैवी होना जरूरी है और ड्राइविंग आना जरूरी है। और क्लर्क के लिए आप लोग प्लस टू और टाइपिंग, नहीं तो स्टेनो के लिए आप लोग प्लस टू और स्टेनोग्राफी जानना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इसका प्रमोशन बारे में समझ गए। इसका सैलरी के बाद बोल देता हूँ दोस्तों। कॉन्स्टेबल जीडी का जितना सैलरी मिलता है, आप लोग का सेम टू सेम सैलरी रहेगा, एक रुपया में भी बिल्कुल फर्क नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी इतना तो जान लिए होंगे। और ये बता देता हूँ, अभी जो पैरामेडिकल में जो फॉर्म भरा है सीआरपी में, सबसे ज़्यादा एसके में फॉर्म गिरा है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, इसका कंपटीशन एसके में सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरा है, क्योंकि पोस्ट भी ज़्यादा है और कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। तो 90 से ऊपर जो मार्क रखेगा रिटर्न में और ट्रेड में अच्छा क्वालिफाई कर लेगा, तो उसी को बिल्कुल चांस मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप लोग को चैनल में नया है, जानकारी जानना है, तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिल्कुल बढ़िया से शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जिस भाई को ज़रूरत है उनको ये वीडियो तक उनको तक पहुंचाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ, यदि आप लोग पहले वीडियो देख रहे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाई। बेल आइकन दबाने से आप लोग को मालूम पड़ जाएगा अपडेट, जो भी वीडियो आप लोग को डालूंगा आप लोग आराम से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव शरीर का कम से कम कितना तापमान रहता है, जो एवरेज होता है तो कितना होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहता हूँ, 2012 की ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट में सीआरपीएफ की सफाई कर्मचारी में आ चुका है। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है 98.6, सी है 9.86F और 99F। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, 98.6 फारेनहाइट, ठीक है दोस्तों। जो फारेनहाइट होता है टेम्परेचर का, जो तापमान का मेजरमेंट का होता है, एफ फारेनहाइट। तो दोस्तों, इसका है 98.6 फारेनहाइट है इसका आंसर, है बी। दोस्तों, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वाटर कंटेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड मैंगनीज, देन व्हिच कलर अकर्ड बाय वाटर। जब पानी में आयरन और मैंगनीज मिश्रित होता है तब जल का रंग क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ, 2013 का ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ में सफाई कर्मचारी की ट्रेड क्वेश्चन था दोस्तों, ये ट्रेड क्वेश्चन था। तो दोस्तों, इसका आंसर का जो दे रखा है ऑप्शन, व्हाइट, रेड, येलो, ब्लैक। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है ब्लैक, काला, क्योंकि दोस्तों पानी में यदि आयरन रहेगा, आयरन का रंग भी काला होता है और मैंगनीज रंग भी काला होता है, तो ये रहने से पानी का रंग काला पड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर है डी। दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टडी इज रिलेटेड टू अर्थ, इसमें से कौन सी अध्ययन पृथ्वी की संबंधित होता है। तो दोस्तों, ये 2011 में और 2015 में ये ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ की आ चुका है, जो कि सफाई कर्मचारी की ट्रेड क्वेश्चन में। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन है जियोलॉजी, सेसिमोलॉजी, जियोमेट्री, बटनी। तो दोस्तों, सेसिमोलॉजी जो होता है हमारा, जो अर्थक्वेक जो हमारा जो होता है भूकंप की संबंधित पढ़ाई होता है। जियोमेट्री तो आप जानते हो, वो तो पृथ्वी की संबंधित नहीं होता, पृथ्वी की माप की, क्षेत्रफल की पढ़ाई होता है। बटनी जो होता है हमारा, जो पेड़ पौधे उसकी संबंधित पढ़ाई होता है। जो जियोलॉजी जो होता है हमारा, पृथ्वी की संबंधित होता है। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा है, यार ये तो हो सकता है जियोमेट्री हो सकता है, क्योंकि जियोमेट्री जो होता है ये अपना मापने के लिए और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जियोमेट्री होता है, मतलब पृथ्वी की जियोमेट्री ये होता है। जियो मतलब पृथ्वी, मेट्री मतलब माप चुप, और ये जो जियोलॉजी होता है, ये जियोलॉजी मतलब पढ़ाई है, इस जियोलॉगस की दोनों वर्ड से ये हुआ है, तो इसका पढ़ाई होता है,
ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत लड़के भूल करते हैं, आंसर लिख देते हैं सी, पर इसका आंसर सी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हिच ड्रेनेज सिस्टम आर कॉल्ड NDS नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, इसमें से कौन सी जो प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 2011 का ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट CRPF के आ चुका है। तो इसका तो हिंदी ऑप्शन मुझे नहीं मिला, तो दोस्तों मैं इसका हिंदी ऑप्शन आप लोग को देने में नाकाम रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसमें तो कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। एक है फास्ट है ओपन ड्रेनेज, क्लोज ड्रेनेज, फिक्स ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज। तो दोस्तों नेचुरल जो होता है, नेचुरल किस तरह से होता है दोस्तों, जल हर टाइम जो होता है, जो ड्रेनेज होते हैं खुले होते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ओपन ड्रेनेज ए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ए ओपन ड्रेनेज। ओपन ड्रेनेज दो होता है, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो मतलब प्राकृतिक, मतलब ओपन ड्रेनेज जो सिस्टम होता है नेचुरली जो होता है, चाहे नदी हो नाला हो, ये सब चीज़ होता है ना नेचुरल होता है, तो इस चीज़ को ओपन ड्रेनेज बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CHC, CHC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है हमारा, जो CRPF की पैरामेडिकल की 2013 की क्वेश्चन आ गया था। ठीक है दोस्तों, ये 2013 में आया था। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म क्या है, कॉमन हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ चेक, सिटी हेल्थ कैंप, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है डी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे एक PHC होता है, जो गांव वगैरह होता है, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जब भी मतलब पहले कुछ आप लोग की दवाई लेना है कि कहीं रेफर करना है, आपके गांव में, छोटे छोटे गांव में PHC होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये जो CHC होता है वो थोड़ा अलग होता है, सिटी एरिया में होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की जो हेड मेडिकल होता है, बड़ा मेडिकल, उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बुलाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है CHC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2013 की पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती में ये आया था। चले दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच कंट्री हु हेडक्वार्टर सिचुएटेड, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। पहले दोस्तों जाने हु क्या होता है, WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल ये जो है कहाँ पे है, इसका जो ये 2011 के ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट की CRPF में आ चुका है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन दे रहे हैं, इंडिया, स्विट्जरलैंड, UK, USA। तो दोस्तों इसका जो आंसर है स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड का जेनेवा सिटी में ये हु का हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। ऐसा करता हूँ दोस्तों, आप लोग को वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बहु मात्रा में शेयर कीजिए। चले दोस्तों, फिर आप लोगों के लिए मैं पैरामेडिकल का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो मैं एक बोलना चाहता हूँ, कई भाइयों ने कमेंट दे रहे हैं सर हमारे कुक के लिए क्वेश्चन, स्टेवर्ड के लिए क्वेश्चन ले। तो दोस्तों आप लोग एक काम कीजिए, कितने बंदे आप लोग कुक के लिए चाह रहे हैं और स्टेवर्ड के लिए चाह रहे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, और सफाई वाले जो है सफाई कर्मचारी में जो फॉर्म भरे उन लोग भी कमेंट दीजिए भाई, तो उसी हिसाब से मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।